दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को लगा है बहुत बड़ा झटका। बेन स्टोक्स पूरे आईपीएल से हो गए हैं बाहर और ये उनके हाथ टूटने की वजह से हुआ है। इंग्लैंड के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर पंजाब किंग्स के खिलाफ सोमवार को मैच के दौरान क्रिस गेल का कैच पकड़ने के चक्कर में चोटिल हो गए थे। मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने पहले एक कैच छोड़ दिया था और इसके बाद जब बेन स्टोक्स ने दूसरा कैच को लंबी दौड़ लगाकर और डाइव लगाकर कैच को पकड़ा था तब उनको कंधे में चोट लगी थी। कैच पकड़ने के बाद जब बेन स्टोक साथी खिलाड़ियों के साथ जश्न बनाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें अपनी चोट के बारे में एहसास हुआ। हालांकि वो मैच में बने रहे लेकिन ओवर डालने के लिए नहीं आए। चोट लगने से पहले वो एक ओवर डाल चुके थे लेकिन बाद में ऐसा करने में वो नाकाम रहे थे। द इंडिपेंडेंट की एक खबर के अनुसार बेन स्टोक एक हफ्ते तक भारत में रहेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस चोट को मैनेज करने के लिए बातचीत हो रही है। गुरुवार के दिन बेन स्टोक्स का एक्सरा करके पता लगाया जाएगा कि उन्हें कितनी गहरी चोट आई है। इसके बाद ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उनकी रिकवरी के लिए प्रयास शुरू करेगी। इस समय न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए आना है। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।